भाई ये है मेरे पीछे जोगनी फॉल का नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है बहुत ऊपर जा करके वो वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है भाई। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं रास्ता ही भूल गया था पीछे, तो मैं एक अपडेट डाल रहा हूँ आपके लिए कि नीचे वाला जो जोगनी फॉल का है वो खुला हुआ है। ऊपर जाने के थोड़ी स्नोफॉल आपको ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर, जिसकी वजह से रास्ते बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये है पॉइंट यहाँ का दूसरा, जहाँ से आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। और ये है पीछे हमारे पूरी की पूरी दिल्ली, यहाँ से जो आपको दिख रही है वो सामने घर वगैरह सब दिख रहे होंगे। मतलब एकदम अल्टीमेट जगह है भाई, यहाँ पर चारों तरफ स्नो ही स्नो है भाई, और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ का हो रहा है हिसाब किताब भाई। देखा जाए तो एकदम ज़बरदस्त मज़ा आ गया भाई देख करके। यहाँ पर जो फॉल है पीछे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, बर्फ़ जो है पिघल रही है धीरे धीरे। ऊपर जाने का रास्ता पीछे से घूम करके वशिष्ठ टेम्पल होकर के जा सकते हैं, मेरे को नहीं पता था, पर मैंने अपने ब्लॉग में बता दिया, बट उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट अब मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि अगर आपको ऊपर नहीं जा सकते ज़्यादा, तो आप यहाँ पर नीचे आकर भी यहाँ पर अपना फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं। और ऊपर जाने के लिए अगर आप जा सकते हैं तो चले जाइए, कोई मनाही नहीं है जाने की, पर थोड़ा रास्ता स्लिपनेस जैसे दिक्कत है। तो यही था आज का अपडेट, तो अब चलते हैं। आज डेट है भाई 25 जनवरी 2022, और अभी भी बादल वादल लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को स्नोफॉल होने वाली है थोड़ी देर बाद, बट अभी कुछ पता नहीं, क्या नहीं सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से हम नीचे अपने चलते हैं, उतरते हैं वापस। फिलहाल आपके लिए यही था, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और किसी भी तरह की क्वेरी हो आपको तो।